27 जुलाई 1967 दूसरी पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य हो, परंतु अपनों को वो कोई राक्षस मानते नहीं थे। कौन कहते थे राम राज्य हो तो कौन सा राज्य था? रावण राज्य ही था, लेकिन अपनों को क्या नहीं मानते थे? रावण राज्य का मानते नहीं थे, बुलाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपन को पतित समझते थोड़े ही है। सन्यासी भी गाते हैं पतित पावन, परंतु अब वह सन्यासी तो पतित पावन हो नहीं सकते। क्यों? सन्यासी गाते हैं पतित पावन, वो किसके लिए कहते हैं पतित पावन? खुद के लिए तो कहते हैं शिवो हम। क्या पतितों को पावन बनाने वाले हैं? क्या वह पतित पावन ठहरे? क्या गीता सुनाने वाला कृष्ण पतित पावन ठहरा? कृष्ण पतित पावन ठहरा या शिव बाबा पतित पावन ठहरा या पानी की गंगा? मनुष्यों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी बाप बच्चों को आकर के सुजाग करते हैं। तुम घोर अंधेरे में थे, भक्ति है अंधेरा और ज्ञान है सोझरा, तो तुम सन्यासियों को भी पकड़ सकते हो। कुंभ के मेले में कितने मनुष्य जाते हैं और सब मनुष्यों के गुरु लोग भी जाते हैं। वो सब मनुष्य और सब गुरु कहते हैं पतित पावनी गंगा। गंगा को पतित पावनी समझते हैं तब तो गंगा में ले जाते हैं। गंगा स्नान से समझते हैं पावन बन जाएंगे। है कहां की बात? कैसे? संगम की बात कैसे है? संगम युग में भांति भांति के ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण कैसे शूटिंग करते हैं? शिवो हम बनने की शूटिंग करते हैं, ढेर की ढेर पब्लिक इकट्ठी करते हैं और ज्ञान गंगाओं के सन्मुख ले जाकर बैठा देते हैं। क्या वो ज्ञान गंगाएं पतित पावनी है? समझते हैं इन गंगाओं के स्नान से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार के सारे शहर का जाए कचरा पड़ता है। कहां फिर वह कचरा सारा खेती में ले जाती है। ये नहीं कहा हरी का कचड़ा पड़ता है, किसका कचड़ा पड़ता है? वो
कचरा हरिद्वार के सारे शहर का कचरा है। हरि किसे कहा जाता है? कृष्ण को। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कृष्ण कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा का द्वार कहाँ है? अरे ब्रह्मा किस द्वार से निकला? अरे कोई द्वार है जहां से ब्रह्मा प्रसिद्ध हुआ? माउंट आबू। हरिद्वार के सारे शहर का कचरा जाए पड़ता है गंगा में, वह सारा कचरा खेती में ले जाते हैं, वो तो हद की खेती है। यहां कौन सी खेती है? खाद के लिए काम आता है। खेतियों के लिए वो कचरा बहुत अच्छा होता है, फिर भी तो मनुष्यों की खाद पड़ती है ना, जानवरों की खाद से भी ज्यादा तीखी मनुष्यों की खाद होती है। परंतु सतयुग में तो ऐसे काम होते नहीं है कि खेतों में जानवरों का खाद अथवा मनुष्यों का खाद डालना पड़े। वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है। 27 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। अनाज में कोई पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा छोटेपन में अनाज भी बेचता था, अनुभवी है ना, गांव का छोरा था। कौन है? कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक, उनको गांव का छोरा थोड़ी कहेंगे। हाँ, वही कृष्ण 84 जन्मों के बाद फिर गांव का छोरा बना। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हर चीज की सस्ताई रहती है, तो बाप बच्चे दोनों अभी आकर मिले हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको पति से पावन बनना है, अब बनना है। और इतने वर्षों से ये ज्ञान यज्ञ चलता आया है, तब पति से पावन नहीं बने। 70 साल हो गए, अब बनना है, क्यों नहीं बने? क्योंकि गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया, ब्रह्मा को समझ लिया, पतित पावनी गंगाओं को समझ लिया। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से तुम मुलम्मा बन गए हो। मुलम्मा मन झूठा सोना। कौन सी खाद पड़ी? द्वापर युग से कहेंगे विकारों की खाद पड़ी। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कि विकारों की खाद पड़ी। ब
वहां विपरीत कृति कोई होती नहीं, विपरीत कार्य कोई नहीं होता सत्युगत्रितम। क्यों? क्योंकि वहां खाद ही नहीं होती, माना वहां व्यभिचार होता ही नहीं। और देवताएं तो पारस बुद्धि थे, अभी वही देव आत्माएं पत्थर बुद्धि बनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए, बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कष्ट थोड़े ही बेहद का बाप बनता है, न कृष्ण बेहद का बाप बनता है, न कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बेहद का बाप बनता है। तुम ही विश्व के मालिक बनते हो, सो भी गोल्डन एज विश्व है, कब की बात सत्युग में गोल्डन एज के विश्व के मालिक तुम बनते हो। जो बच्चे बाप के सन्मुख बैठ पड़ते हैं वो सत्युग में विश्व के मालिक बनते हैं। सत्युग में विश्व होता है क्या? सत्युग में तो विश्व ही नहीं होता है, वहां तो सिर्फ देवात्माएं होती है। संगम युग की बात है, अंतिम समय की, ये है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहां के इतने महल माणिया आदि कोई काम नहीं आवेंगे, इस बात में काम नहीं आवेंगे। नई दुनिया की स्थापना में इस दुनिया के महल माणिया अटारिया कोई भी काम में आने वाले नहीं है, सब खत्म हो जाएंगे। यहां क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना होगा? जो भी बड़े बड़े हैं सोने पर डांस करते हैं, यहां तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो भी लेते रहते हैं। कौन? बेसिक पहले तो पिताएं लेते रहते हैं, और उनसे बचता है तो कौन लेते रहते हैं? सुनार लेते रहते हैं, आधा चौथाई कर देते हैं। जितनी बार देवर बनेगा उतनी बार कटौती होती जाएगी, मिक्स करते जाएंगे, और भी कुछ बचेगा तो अंत में गवर्नमेंट छीन लेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बहुत है, जिनके ऊपर कर्जा बहुत है उन्हों को कर्ज में सोना देना है। विदेश की गवर्नमेंट यहां के कागज के नोट नहीं लेगी, और तुम्हारे पास तो वहां सोना ही सोना होता है। यहां कौड़ियां और वहां भोरे होंगी, यहां तो सोने का नाम ही नहीं रहा, इसलिए इनको कहा जाता है आयरन एज। पहले द्वापर में भी सोने चांदी के बर्तन होते थे, और अभी तो
काहे के बर्तन है घर घर में लोहे है के बर्तन है स्टील भारतीय गोल्डन एज था अभी भारत ही आयरन एज में इस भारत खंड की बहुत महिमा है भारत अविनाशी खंड है इसका कब विनाश नहीं होता है और धर्म खंडों का विनाश हो जाता है तो जरूर कहेंगे पहले ये धर्म खंड नहीं थे और अभी भी ये धर्म खंड नहीं रहेंगे पहले माना कब 2500 साल पहले ये विदेशी धर्म खंड नहीं थे और अभी भी ये विदेशी धर्म खंड नहीं रहेंगे सब विनाश हो जाएंगे क्यों विनाश हो जाएंगे भारत खंड ही क्यों अविनाशी है भगवान भी यहां क्यों आता है विदेशों में क्यों नहीं आता है क्योंकि विदेशों में कोई रोक नहीं है व्यभिचार की और भारत में व्यभिचार के लिए रोक लगाई जाती है भले भारत सबसे जास्ती पतित बनता है परंतु भारतवासियों की मेंटेलिटी में है क्या कि वैश्यालय बुरी चीज है और शिवालय अच्छी चीज है भारत सबसे ऊंचते ऊंच था तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए पुरानी का विनाश चाहिए इसके लिए नई दुनिया चाहिए पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए खास किसके लिए आए हैं माताओं के लिए आए हैं सीता माता मुखिया कहां निवास करती है रावण की जेल में तो शरीर से निवास करती है मन बुद्धि रूपी आत्मा कहां निवास करती है इसलिए बोलते हैं तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए पुरानी का विनाश चाहिए इतनी समझने की बातें हैं शरीर निर्वाह धंधा आदि भी करना है कौन सा धंधा अच्छा दुनिया भी धंधा नहीं करना है शरीर निर्वाह के लिए है कहता है करना है कहता है नहीं करना है कौन सा धंधा करना है बाबा ने कौन सा धंधा बोला होगा है बाबा तो बेहद की बातें बोलते हैं फिर गारंटी भी देते हैं ये बेहद ज्ञान रत्नों का धंधा जो करेगा वह और उसका भूख नहीं मर सकता छोड़ना तो कुछ भी नहीं बाप कहते हैं सब कुछ करते मुझे याद करते रहो सब कुछ करते क्या चोरी डकैती करते कर्म में वो चोरी डकैती का कर्म भी आ जाता है सब कुछ क्यों कह दिया
योग बल की इतनी ताकत है तो सब कुछ करते हुए क्या करो, मुझे याद करते रहो। इसलिए मनुष्यों ने भी गीता में लिखा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ सकता। फिर कोई अभी ही उल्टा उठाते हैं, बाबा ने कहा है ना मुझे याद करते रहो, कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि आकर के हमको सांवरे से गोरा बनाओ, उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम भी मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर वह है जहां सब आत्माएं रहती हैं, तुम सभी को ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हो। सभी माने कौन? सभी माना सारी दुनिया। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं बचेगा जो आत्मा परमात्मा का नंबर वार ज्ञान लेने वाला न बने। सारी दुनिया को संदेश मिलेगा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सब हिसाब किताब चुक चुक करके वापस जाने वाले कोई बचेगा क्या है? घर तो सभी को वापस जाना है, फिर नए सिरे तुम आवेंगे क्या? नए सिरे सृष्टि का संचालन शुरू होगा तो तुम आवेंगे और सब तुम्हारे पीछे पीछे आवेंगे। पहले पहले तुम आवेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पावेंगे। याद में कम रहेंगे तो पवित्र भी कम बनेंगे और पद भी कम मिलेगा। माताओं को तो बहुत फुर्सत रहती है, क्यों? भाइयों को क्यों नहीं फुर्सत रहती? भाइयों को धंधा धोरी बाहर जाकर के करना पड़ता है और माताओं को सिर्फ घर संभालना है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि की तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाबा ने कलश भी माताओं पर रखा है। क्यों क्यों माताओं पर कलश रखा है? क्योंकि माताओं की बुद्धि में दुनियावी धंधे धोरी ज्यादा नहीं चलते हैं। तो बाप की याद ही जास्ती रहती है, मेल्स की बुद्धि में धंधे धोरी चलता रहता है। यहां तो कहते हैं स्त्री को कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, पति तुम्हारा मालिक है और तुम उनकी दासी हो। ऐसी बातें सुन सुन करके माताओं का पिछाड़ी में पूंछ लटकता जाता है। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते,
कहते हैं तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। ही क्यों लगा दिया है? सिर्फ नारियां ही क्यों बोला? पुरुष उद्धार करने में सहयोगी नहीं बनते क्या? बनते हैं, सहयोगी बनते हैं या और ही असहयोग करते हैं? असहयोग न करते होते तो सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में नहीं डाला जाता। इसलिए कहते हैं तुम माताएं भारत का उद्धार करती हो, तुम श्रीमत पर स्वर्ग के द्वार खोलती हो। बाप तो स्त्री और पुरुष दोनों को सुजाग करते हैं। कोई बाबा से पूछते हैं, बाबा हम आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं? बार बार इस सृष्टि पर आना, बार बार परमधाम में वापस जाना, ये आने जाने के चक्कर से हमेशा के लिए छूट सकते हैं? छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हां, कुछ समय के लिए छूट सकते हो। जो पूछते हैं उनको, तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले हो, इनको कहा? तुम बच्चे किनको कहा है? जो बच्चे बाप के सन्मुख प्रैक्टिकल में बैठ करके विमुख हो करके नहीं, क्या सन्मुख भी दो प्रकार का होता है, एक हद का सन्मुख और एक बेहद का सन्मुख। बेहद का सन्मुख कैसा होता है? बेहद का सन्मुख वो जो प्रैक्टिकल शरीर में भी सन्मुख हो, मुख के सामने हो और साथ साथ मन बुद्धि के संकल्पों से भी बाप के संकल्पों के अनुकूल संकल्प चलाने वाला हो। अगर बाप के संकल्पों के विपरीत संकल्प चलते हैं और सन्मुख बैठा हुआ है तो उसको बेहद का सन्मुख रहने वाला नहीं कहा जाएगा। तो तुम बच्चों का ऑलराउंड पार्ट है आज से अंत तक। दूसरे जो हैं, जो सन्मुख नहीं होते हैं, वो मुक्ति धाम में रहते हैं। उनका पार्ट ही थोड़ा है। कहां? इस रंगमंच पर जो बाप के सन्मुख नहीं रहते हैं उनका पार्ट कट हो जाता है। कौन सा पार्ट कट हो जाता है? सुख का या दुख का? सुख की दुनिया का पार्ट कट हो जाता है। उनका पार्ट थोड़ा है, वो अव्वल नंबर स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। क्या क्या कहा? कौन नहीं जाने वाले? जो बाप के सन्मुख नहीं रहते, विमुख होकर रहते हैं, विपरीत संकल्प चलाते हैं, उनका ऑलराउंड पार्ट नहीं हो सकता। अल्लाह अव्वल दीन के अव्वल नंबर धर्म में उनका हिस्सा नहीं होगा, बहुत थोड़ा पार्ट होता है।
आवागमन से मोक्ष इसको कहेंगे, जो पिछाड़ी को आए और इस सृष्टि पर थोड़े समय के लिए रह जावे, उसको कहेंगे थोड़े समय के लिए आवागमन के चक्कर से छूट गया। कौन से आवागमन के चक्कर से छूट गया? बार बार जन्म लेना, बार बार शरीर छोड़ना, ये आवागमन के चक्कर से थोड़े समय के लिए छूट जाएंगे, माने कम जन्म होंगे। जो बहुत पिछाड़ी में आते हैं वो तो आए और गए, जैसे बरसाती पतंगे एक ही रात में कितने ढेर के ढेर पतंगे पैदा होते और सवेरे सब खलास। वो ज्ञान आदि तो सुन नहीं सकेंगे, कौन है? जो अंत में आने वाली आत्माएं हैं, कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो उतना ज्ञान तो सुन नहीं सकती। ज्ञान सुनते हैं वह जो पहले से पिछाड़ी तक पाठ बजाते, माना ज्ञान सुनने वाले 83 जन्म वाले नहीं है या कम जन्म लेने वाले नहीं है, कौन है? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो ही पिछाड़ी तक पाठ बजाने वाले हैं और बाप से पूरा ज्ञान सुनते हैं, पूरा ज्ञान सुनते हैं, इसलिए पूरी ही 100% नई दुनिया में आ जाते हैं। कोई कहे बस हमको तो यही पसंद है, वहां परमधाम में ही बैठे रहे, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसा? कि आत्माएं कोई परमधाम में बैठी रहे और परमात्मा बाप बार बार इस सृष्टि पर आता रहे। ड्रामा में सबका पार्ट मुद्दा हुआ है, कोई का थोड़ा पार्ट, कोई का जास्ती पार्ट। हाँ, जाकर के पिछाड़ी में आ जाते हैं, वे आत्माएं बाकी समय शांति धाम में रहती हैं। ये बेहद का ड्रामा है, अच्छा बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।